दो तीन किसान का में प्रॉब्लम चल रही है। ये एक बहुत ही पुरानी डैम है जिसकी खुदाई प्रॉब्लम के द्वारा की जा रही है। ये डैम वाटर स्टोरेज के लिए बनाई गई थी और इस डैम को फिर से खुदाई इसलिए की जा रही है क्योंकि इसमें जो वाटर स्टोरेज क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। तो इसी के लिए ये डैम की खुदाई पाइपलाइन के माध्यम से की जा रही है। वाटर स्टोरेज क्षमता बढ़ने से क्या होगी कि इस डैम में वाटर स्टोरेज यानी कि पानी ज़्यादा मात्रा में रहेंगे इस डैम में, उससे अगल बगल के जितने भी किसान लोग हैं उन सभी को जो वाटर का लेयर होता है, जैसे किसान लोग अपना गेहूं उपज करते हैं तो क्या होता है कि पानी से पटवन करना पड़ता है। तो पहले के ज़माना में कुआं होती थी लेकिन अभी कुआं वगैरह की संख्या बहुत कम हो गई, तो लोग बोरिंग करते हैं और उस बोरिंग से गेहूं का पटवन करते हैं और भी अन्य तरह के फसल उग जाते हैं। तो वाटर लेयर इस आसपास के जो लोग हैं, इस आसपास के जो ज़मीन है, खेत हैं, उसमें वाटर लेयर थोड़ी कम हो गई है। तो वाटर लेयर को बढ़ाने के उद्देश्य से और भी बहुत सारे फायदे इसके हैं। तो सबसे बड़ी फायदा इसमें यही है कि किसानों को इससे वाटर लेवल जो है, अब जो कोई भी किसान बोरिंग अपना करवाएंगे, ठीक है, खेती करने के लिए, तो उसमें क्या है कि बोरिंग करेंगे तो पानी आसानी से मतलब उनको मिल सकेगा और वो बोरिंग के माध्यम से अपने आसानी से वो अपने फसल को उपजा सकते हैं और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। आइए इधर देखते हैं, देखिए डैम कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। और ये इसमें लगभग दो महीने से डैम की खुदाई हो रही है और अभी लगभग 25% डैम की खुदाई हुई है। और आगे में आइए आप लोग को हम दिखाते हैं, आगे में वहाँ पर एक गेट बना हुआ है जहाँ से वाटर ओवरफ्लो नहीं हो। तो जब इसमें पानी की संख्या बरसात के मौसम में ज़्यादा हो जाएगी तो उसको यहाँ से स्टोरेज से निकालने के लिए गेट बनाई जा रही है। तो आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं, गेट के पास चलते हैं और आप लोग को ले जा करके हम गेट के पास दिखाते हैं। यही वो गेट बन रही है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी गेट है, इससे पानी का निकास यहाँ से करने के लिए गेट बनाई जा रही है। ये देखिए, एक गेट ये है और ये गेट इधर है, देखिए। ये देखिए, यही है वो डैम, ठीक है। तो अभी आप लोग डैम के गेट देखे थे, अब पूरा डैम का ये दृश्य देखिए कि ये डैम कितनी बड़ी है। ये देखिए, देखिए कि ये डैम कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी मात्रा में ये डैम है। इसकी वाटर स्टोरेज क्षमता जो है हजारों लाखों लीटर से भी ज़्यादा मतलब हो सकते, इससे आसपास के जितने भी गांव हैं, ठीक है, आसपास में लगभग 15-16 गांव अप्रोक्स में है, तो इन सारे गांवों को इस डैम के माध्यम से जितने भी किसान ये सारे गांव में हैं सारे लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। और ये डैम को आप एक बार पूरा दृश्य देखें, ये डैम कितनी बड़ी है, ठीक है। और इसमें जो काम चल रहा है वो लगातार काम जारी है, और क्योंकि बारिश का मौसम अगर आ जाएगी तो फिर ये डैम में पानी जमा हो जाएगा तो ये डैम की खुदाई नहीं हो पाएगी, इसीलिए इसमें काम जोरों शोरों से चल रही है। और पूरी डैम को आप लोग देख सकते हैं, इससे जितने भी किसान लोग हैं, इस तरह का कार्य, इस तरह का डैम का खुदाई अगर पूरे बिहार में जितने जगह भी हैं तो हर एक डैम से अगर 10-15 गाँव को लाभ मिल रहा है, तो इस तरह से पूरे बिहार में अगर 10-15 हरेक गांव में, हरेक मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में डैम के माध्यम से लोगों को मिलेगा तो लोगों को बहुत ये होगा और किसानों को खेती करने में, फसल उपजाने में बहुत ही सुविधा मिलेगी। आप इस तरह का वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि ये सब चीज़ मतलब सरकार के माध्यम से की जा रही है जिससे हर वर्ग के किसानों को लाभ मिलेगा। आप इस तरह का वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और
अगर कुछ आप लोग को मन में सवाल है या कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।